कश्मीर नो ड्रग्स, सेव कश्मीर नो ड्रग्स, सेव कश्मीर नो ड्रग्स, सेव यूथ नो ड्रग्स, सेव यूथ नो ड्रग्स, सेव कश्मीर फ्यूचर 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 नो ड्रग्स, कश्मीर बचाओ ड्रग को हटाओ, सेव यूथ नो मोर ड्रग्स, 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 बचाओ ड्रग को हटाओ, कश्मीर बचाओ ड्रग को हटाओ, कश्मीर बचाओ ड्रग को हटाओ, नो मोर ड्रग्स, सेव द फ्यूचर ऑफ कश्मीर नो मोर ड्रग्स, सेव द फ्यूचर ऑफ कश्मीर नो मोर ड्रग्स, सेव द फ्यूचर ऑफ कश्मीर नो मोर ड्रग्स। आपका नाम? मैं कश्मीर यूथ पावर से मुदसर अजीज़। आज हमारा ये यहाँ पर ये प्रोग्राम अगेंस्ट जो ड्रग एडिक्ट हमारे यूथ नौजवान हो रहा है, हम इसलिए आज यहाँ पर प्रेस कॉलोनी में आ चुके हैं। पीसफुल हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। हम कश्मीर यूथ पावर का मकसद ही है पीस। हम तमाम माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों को आप खुद काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग माँ बाप से अच्छी कोई काउंसलिंग कर नहीं सकता है बच्चे को। मैं हर एक माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने बच्चे को आप काउंसलिंग खुद कीजिए। आजकल की जनरेशन में मत आप गैप रख लीजिए। एक बच्चे के साथ आप एज अ फ्रेंड रहिए, एज अ मतलब दोस्त रहिए, एज अ अगर लड़की होगी तो मतलब मैंने सुना है कि लड़कियाँ भी अब ड्रग ले चुकी है कश्मीर में मतलब हम हद से ज़्यादा अब ड्रग ले चुके हैं यहाँ पर कश्मीर में। आप देख लीजिए पिछले कितने टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, 30 ईयर्स से हमारा यूथ, हम यूथ करेंगे क्या यहाँ पर? आज हमारा ये प्रोटेस्ट इसलिए है, पिछले जो हुक्मरान है हम उनकी भी गलती की वजह से ये कहें कि ड्रग लेने पे बच्चा मजबूर है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत है। जब एक बच्चा एजुकेटेड हो के घर में बैठ के क्या करेगा? वो फ्रेंड सर्किल में जाता है, वो ड्रग लेने पे मजबूर होता है। मैं पिछली सरकार से लेकर आज तक की जो सरकार आई है, मैं ये सब मतलब जो भी सरकार आ चुकी है उन्होंने सिर्फ दावे किए हैं, हमको यूथ के साथ कुछ भी नहीं उन्होंने किया है। हमारा यूथ अब बहुत ख़राब हो चुका है। मैं इन फ्यूचर जो भी सरकार आएगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से भी, इस पे आप कुछ कीजिए। ड्रग पे बैन लगना चाहिए, और जो ड्रग नहीं पुलिस, मुझे लग रहा है शायद मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो इसमें बहुत वर्कआउट कर रही है, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रही है। मगर इससे ज़्यादा कुछ इसमें होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि PSA लगना चाहिए, जो ये ड्रग मतलब फरोश करते हैं, मतलब जो ये भेजते हैं, उनको भी ऐसे ही PSA लगना चाहिए। कल हम देखते हैं किसी के पास 30 किलो का चरस उनके पास अरेस्ट किया गया, 10-20 दिन सुनते हैं बस वो खुले मैदान में घूमता है। ये एक मतलब ये एक छोटी मछली को पकड़ना नहीं है, बड़ी मछली को पकड़ना है।